आज बिहार में आज हमने अपने दम पर चार विधायक बनाया, हमने लड़ाई लड़ा, आप लोगों ने साथ दिया, समाज के लोगों ने साथ दिया। पहली बार गुलामी के जंजीरों को तोड़कर हमने चार विधायक बनाया, अपनी सरकार बनाया, अपने दम पर वहां पे मैं मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं, और लगातार अपने समाज के लिए काम कर रहा था। उस समाज के लिए काम करते करते मैंने उत्तर प्रदेश आया, आपके लिए लड़ाई लड़ने लगा कि हम जब एक साथ में यूपी बिहार झारखंड के निषाद मजबूत होंगे तो आने वाला समय में दिल्ली में हमें आरक्षण होगा। और जब मैं उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ा और आप लोगों ने साथ दिया, उसके बाद क्या किया, ये भाजपा वाले ने देखा कि एक गरीब बिछुआरा का बेटा, कल तक ये गुलाम था, इसके बाप दादा मेरे हाँ में हाँ भरता था, हमारा गुलाम था, आज मालिक कैसे बन गया, इसको रोको, अगर नहीं रोक पाओगे तो आने वाला समय में ये आंधी बन जाएगा और हम लोगों को सुनामी के जैसे उड़ा देगा, इसको रोको, इसको खत्म करो। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमें विधायक हमारा छीन लिया, विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था सिर्फ आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, आज मुझे क्या जरूरी था उत्तर प्रदेश के निषाद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिहार में मंत्री था, विधायक था। लेकिन नहीं, सिर्फ विधायक मंत्री बनने से नहीं होगा, जब तक समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक संपूर्ण समाज का विकास नहीं होगा। और आरक्षण की लड़ाई सिर्फ बिहार के निषाद नहीं लड़ सकता, उसके लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश का भी एक एक नौजवान, एक एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होंगे, झारखंड के निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होंगे, तब हम दिल्ली पे चढ़ाई करके और समाज को आरक्षण दिला सकते हैं। और इसी उम्मीद से मैं आपके बीच में आया, और उस दुश्मन ने क्या किया, हमें सरकार से बाहर करके हमारे विधायक को ले लिया। तो साथियों, अब समय आ चुका है वो बदला लेने का जिन्होंने खास करके आपको गुलामी के जंजीर फिर से बांधा है, और आप और हमको इस गुलामी को जंजीर को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। साथियों, इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए कामयाब बनाइए। आपको संकल्प लेना पड़ेगा समाज की जब भी लड़ाई हो उस समय में बेगर सोचे समझे उस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आपको मैदान में उतर जाना होगा, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। अपने वोट का अधिकार को, अपने वोट का अधिकार को समझना पड़ेगा। आज आपके वोट में वो ताकत है कि दुनिया आपके सामने में झुक जाएगा, सिर्फ जरूरी है संकल्प लेने का। आज दिल्ली वाले लोगों को घमंड है, उनको लगता है कि निषाद का वोट हम बेच खरीद लेते हैं। कभी किसी समय में ये सच है कि हमारा समाज गरीब था, और कभी किसी समय में हमारे लोग पैसे के नाम पे वोट कर देता था। लेकिन आज निषाद का बेटा जाग चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहा है, लेकिन उनको आज भी भरम है, आज भी उनको लगता है कि हम वोट खरीद लेंगे। तो आज जरूरी है ऐसे नेता को भरम को तोड़ना, और इसके लिए आपको सबको संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हमने हर सभा में हमें दो दो बार बोलना पड़ता है, और इस सभा में हमें एक ही बार बोलना पड़ा, और हर एक हाथ ऊपर उठ गया अपने समाज के हक अधिकार के लिए। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं इसके लिए साथियों। तो साथियों, अब जरूरी है कि दिल्ली वाले को बताने का, मोदी जी को दिखाने का, योगी जी को बताने का, अखिलेश यादव जी को बताने का, राहुल गांधी जी को बताने का। वो कैसे बताएंगे और कैसे देखेंगे, ये कैमरा वाले हैं ना, ये वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो रात में मोदी जी के पास पहुंचेंगे, और वो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बलिया में हर एक निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हक अधिकार के लिए संकल्प ले चुका है कि अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास एक छोटा सा बोतल आया होगा, उसमें गंगा जल है। गंगा जी तो ऐसे उत्तर प्रदेश से हमारे बिहार में पहुंचा है, लेकिन पटना के घाट पे से गंगा जल लेके आया हूँ, और आपके पास बोतल आया होगा। बोतल को ढक्कन को खोलिए, और हाथ में जैसे पंडित जी आपको शुद्ध करने के लिए हाथ में देते हैं ना गंगा जल, वैसे हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे उठाइएगा, तब वीडियो कैमरा में आएगा कि हाँ आप संकल्प ले रहे हैं। तो ऐसे हाथ को लीजिएगा, और जैसे जैसे हम संकल्प पत्र को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग संकल्प पत्र पढ़िए, ताकि मोदी जी को लगेगा कि हाँ
अब निषाद का बेटा जाग चुका, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो सब हाथ को ऊपर उठाइए और हाथ में गंगा जल लीजिए और जैसे जैसे मैं संकल्प पढ़ रहा हूं वैसे वैसे पढ़ने का काम कीजिए। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, भगवान वीर कोयला बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हर निषाद के घर में जाएंगे, उसका अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। चलिए शुद्ध हो जाइए। देखिए ये वीडियो रात को मोदी जी के पास पहुंचेगा, देश के विपक्ष नेता को पहुंचेगा और उसका भरम जो है वो टूट जाएगा। उसके पास जो भरम